हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और स्वागत है मेरी टिप कैप्चर चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल पर एक जीमेल एड्रेस बना सकते हो। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहले आपका अपना मोबाइल स्क्रीन पर जाना होगा। मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक जीमेल नाम का एप्लीकेशन है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन सभी मोबाइल में इनबिल्ट होता है। अगर अपना आपका मोबाइल में नहीं है तो दोस्तों, इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पर देखिए, ऊपर लेफ्ट साइड कोने में 3 डॉट होता है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है। और यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको गूगल पर अकाउंट बनानी है तो यहाँ पर आपको गूगल पर ही क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाएगा। और आपको नीचे देखिए, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट है, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ जाता है, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं माई सेल्फ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, फॉर माई सेल्फ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। जैसे कि मेरा फर्स्ट, मान लीजिए मेरा नाम है एलेक्स आकाफी, तो फर्स्ट नेम एलेक्स, यहाँ पर मैं एलेक्स लिख देता हूँ, ALEX, और लास्ट नेम पर आकाफी, फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। यहाँ पर मान लीजिए जेंडर में मेल, और मंथ मार्च, डे 02, और यहाँ पे ईयर 1996, फिर नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहले दो सजेस्टेड ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना जीमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर अपना मोबाइल नंबर यूज करके भी यहाँ पर अपना जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, या फिर क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं दे रहा हूँ अपना नाम, एलेक्स आकाफी 23@gmail.com, फिर नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर दोस्तों, आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज करना है। और चूज करने के बाद यहाँ पर वही पासवर्ड फिर से डाल के आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको ऐड फोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, और नीचे स्क्रॉल कीजिए। देखिए, अगर आपको अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है तो यहाँ पर SIM IN पर क्लिक करना है, अगर नहीं ऐड करना है तो स्किप पर क्लिक। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा अपना फ़ोन नंबर डालना चाहिए, क्योंकि अपना फ़ोन नंबर डालने से रिसेट योर पासवर्ड, मतलब आप अपना पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो। अगर आपने भूल गए तो पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, रिसीव वीडियो कॉल्स और मैसेज कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर SIM IN पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पर आपको रिव्यू करने के बाद फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स कंडीशन है, उसके आपको चाहे तो पढ़ना है, नहीं तो आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर देखिए, कुछ टाइम ले रहा है। इन सारे प्रोसेस के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगी। और यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस शो होगी।